पाली सीखो भाग दो। पाली सीखो एक में आपने जो वर्ण वाला होती है यानी कि जो शब्द होते हैं सारे सारे पाली के अंतर्गत वो आपने सीखे। यहाँ सबसे पहले सर आएंगे यानी सरा जिनको वॉवल बोलते हैं। बहुत सारे जो वॉवल्स हैं उनको पाली के अंदर सरा बोलते हैं और एक को बोलते हैं सर। सर को ही बाद की संस्कृत भाषा में स्वर बोला जाता है, ये पाली से ही लिया गया है। सारी दुनिया में जितने भी जानवर होते हैं वो चाहे कॉन्सोनेंट यानी जो व्यंजन हैं क ख ग घ उनको जाने या ना जाने मगर सारे जानवर सर को यानी के वोवल्स को सरा को सब जानते हैं। सरा जो होते हैं उनके बिना कोई अक्षर या शब्द बनना मुश्किल होता है, या ये कहें कि उनके बिना कोई शब्द या शब्द का कोई मतलब होता नहीं है क्योंकि कम से कम ए सभी में आता है। ये जो सर हैं इनकी एक फिक्स आवाज़ होती है जो सारी दुनिया के जितने जानवर या जितने मनुष्य हैं वो सब बोलते हैं और उनकी आवाज़ निकलती है ए आ ई ऊ ए ओ। ये जो आवाज़ है ये सारे बच्चे जो पैदा होने के बाद निकालते हैं और जितने जानवर हैं उनकी अधिकतर आवाज़ रंभाने की इन्हीं सरा में आती है। कोई भी जानवर कैखे गे में नहीं रंभाता, वो ए आ ई ऊ ओ में रंभाता है और बच्चा भी जो पैदा होता है शुरू में इन्हीं को दोहराता है, इसलिए इनको स्वर या सर कहते हैं। सबसे पहले ये शब्द आते हैं। इसमें जो सबसे पहला पाली के अंदर आता है जैसा कि सारी भाषाओं में आता है वो ए आता है। ए सारे सर का सरताज है यानी कि शुरुआत वहाँ से होती है और सारी भाषाओं में जो ए सर है उसका सबसे ज़्यादा उसके शब्द सारे सरों में होते हैं यानी जो सरों से आरंभ होते हुए शब्द बनते हैं प्रारंभ होते हैं स्टार्ट होते हैं वो सारे शब्दों में जो ऐसे बनते हैं वो सबसे ज़्यादा होते हैं। और ए में अगर आ की आवाज़ निकाल दे तो दूसरा सर बनता है जिसको आ बोलते हैं। पाली के अंदर अगर किसी शब्द से पहले ए लगा देते हैं तो उसका मतलब नहीं होता है, इसमें जो आवाज़ आती है वो आती है नहीं। जैसे कुशल अकुशल खेत अखेत गति अगति जानन अजानन नियमित अनियमित, ये शब्द जितने भी ए पहले लगा देंगे इसका मतलब होगा जैसे गति में अगति किया तो गति माने चलना होता है और अगति के माने इसकी जो चलना है वो रुक गया। कोई चीज़ अगर नियमित है नियंत्रित है अगर उसको हम अनियमित कर दें या अनियंत्रित कर दें तो वो उसके निगेटिव अर्थ में आ जाती है। तो यहाँ जो उपसर्ग के रूप में यानी कि अगर हम पहले लगा देते हैं सबसे पहले तो यहाँ पाली में जो पहला सर है ए उसका मतलब नहीं हो जाता है। जो द्वितीय सर है हमारा क्योंकि पठमा सर तो हमारा ए है और द्वितीय सर सारी भाषाओं में लगभग आ ही होता है, ए के बाद आ आता है और आ जो सर है वो आप कह सकते हैं कि आ का जो शॉर्ट है वो ए होता है। जैसे अक्कोश को बोलते हैं आक्रोश होता है संस्कृत भाषा में और इसको सिंपल भाषा में अक्कोश बोलते हैं पाली के अंदर, अगर इसमें आ लगा दें तो होता है अक्कोशोती, अक्कोश मतलब आक्रोश हो गया। तो ऐसे करके इसमें लगाने से आ से शब्द का पूरा मतलब बदल जाता है। जैसे गच्छति बोलते हैं पाली में, गच्छति का मतलब जाता है और अगर आ पहले लगा देते हैं तो हो गया आ गच्छति, इसका मतलब आता है, मतलब आ लगाने से उसका मतलब उल्टा हो जाता है। अधिकतर केसों में ऐसा होता है, कुछ अपवाद भी होते हैं, इसलिए आ इसका दूसरा स्वर है जो ऐसे बना हुआ है मगर उसको अगर लंबा खींचेंगे तो वो आ बन जाता है सारी भाषाओं में। तृतीया सर है छोटी ई, छोटी ई तृतीया सर है और जो चतुर्थ है वो है बड़ी ई। पंचमी यानी जो पंच अक्षर है जो पांचवा अक्षर है सर का वो है छोटा ऊ और छठा है यानी छठ जो है वो है बड़ा ऊ। ये सर हैं जो ऊ की और लंबे ऊ की आवाज़ देते हैं।
पाली में अगर आप देखेंगे ध्यान से तो औरत वाली जो दो मात्रा हैं वो नहीं होती, यानी कि अगर आप औरत वाली आवाज़ देखेंगे लिखा हुआ कहीं तो एक ही मात्रा होगी, उसको औरत बोलते हैं या ओक बोलते हैं। तो इस तरह से पाली के अंदर दो शब्दों की यानी दो मात्राओं का, ऊपर जो दो मात्रा है उसका एक कहीं भी आपको नहीं दिखाई देगा, मगर ये बोला जाता है, लिखा नहीं जाता। एक दो व्याकरण हमारे पास हैं। व्याकरण का मतलब है कि जो व्य करके करण बनता है उसको व्याकरण बोलते हैं। एक है कच्चायन और दूसरी है मोगलायन। कच्चायन वाली जो व्याकरण है उसके अंदर 41 सारे के सारे शब्द यानी शब्द होते हैं, सर और व्यंजन मिला के। और मोगलायन की जो व्याकरण है उसमें 43 होते हैं, दो बड़े हुए होते हैं। जो दो बड़े हुए होते हैं वो सर से बड़े हुए हैं। कच्चायन वाली व्याकरण में एक ही ए होता है, यानी कि एक मात्रा का ए होता है, मगर जो मोगलायन है उसमें दो मात्रा का भी है। जैसे बोलते हैं एथ, जैसे बोलते हैं एकाकी, एकाकी में एक ए के साथ आवाज आती है, और एथ अगर बोलेंगे तो एथ में दो ए के साथ आवाज आती है। इसलिए बाद में ऐसा माना गया क्योंकि आवाज अलग अलग आती है एथ के साथ में और एकाकी के साथ में, इसलिए मोगलायन ने इनको दो माना। इसलिए इसको हम यहाँ सातवां और आठवां करके सर बोलते हैं, यानी कि अगर हम कच्चायन की भाषा में लेंगे तो सातवां स्वर है, और अगर हम मोगलायन की भाषा में लेंगे, व्याकरण में लेंगे, तो ये सातवां और आठवां दो स्वर आते हैं। ठीक ऐसे ही ओ के लिए लिया जाता है। जो ओ की मात्रा है वो ओक काक में और तरह से आती है और ओक में और तरह से आती है। अगर हम ओक लिखते हैं तो दो मात्राओं वाला ओक सुनाई देता है, और ओक काक लिखते हैं तो उसमें एक मात्रा का ओ दिखाई देता है। इसलिए जो कच्चायन की व्याकरण है उसके अनुसार ये आठवां स्वर है, और मोगलायन की व्याकरण के अनुसार ये नौवां और दसवां स्वर है। ये एक छोटा सा अंतर स्वर में आता है। स्वर जो कच्चायन की व्याकरण है उसमें आठ माने जाते हैं, और जो मोगलायन की व्याकरण है उसमें 10 माने जाते हैं, मगर पूरी भाषा में लिखे पाली में आठ ही जाते हैं। पाली की पूरी जितने भी शब्दावली है या जितना भी साहित्य है उसमें कहीं भी आपको ऊपर दो मात्राएं नहीं मिलेंगी। अगर दो मात्राएं कहीं पाली में मिलती है तो वो पाली नहीं है, कुछ और है। बेशक बोला जाए या बोलने में आता हो एक मात्रा दो मात्राएं, मगर लिखने में नहीं आती। पुरानी भाषा जो पाली है उसके अंदर बिल्कुल भी नहीं आती है। ये एक मेजर डिफरेंस है, आप इसको कभी भी कहीं भी चेक कर सकते हैं। जैसे आधा रे नहीं आता, आधा रे पूरे पाली प्राकृतक में कहीं भी आधा रे नहीं आता। जो आधे रे आते हैं वो शब्द सारे बाहर के बाद में ऐड किए हुए शब्द हैं। धन्यवाद।